आपके हर बिल को बनाने और उसका हर हिसाब रखने तक बिग ब्लेस, हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान। नमस्कार, आप देख रहे हैं मार्केट टाइम्स टीवी। मैं हूं आपके साथ शालिनी श्रीवास्तव। रुक करते हैं बड़ी खबर का। 22 मार्च से अब तक लगातार पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ रहे हैं। इस अवधि में सिर्फ एक दिन ऐसा रहा जब पेट्रोल और डीजल के दाम स्थिर रहे। आज दिल्ली में पेट्रोल के दाम 80 पैसे बढ़ाए गए हैं, जबकि डीजल के दाम 70 पैसे बढ़ाए गए हैं। इसके साथ ही राष्ट्रीय राजधानी में एक बार फिर से पेट्रोल 100 रुपये प्रति लीटर के पार पहुंच गया है। दिल्ली में पेट्रोल 100.21 रुपये प्रति लीटर हो गया है, वहीं डीजल 91.47 रुपये प्रति लीटर पर पहुंच गया है। साथ ही मुंबई में पेट्रोल के दाम 85 पैसे बढ़ गए हैं, जबकि डीजल के दाम 75 पैसे बढ़ गए हैं। इसके साथ ही यहां पेट्रोल 115 रुपये प्रति लीटर के पार पहुंच गया है। मुंबई में आज पेट्रोल 115.04 रुपये प्रति लीटर हो गया है, वहीं डीजल यहां पे 99.25 रुपए प्रति लीटर पर पहुंच गया है। साथ ही चेन्नई में पेट्रोल की जो कीमत है वो 105.94 रुपए और डीजल की कीमत 96 रुपए हो गई है। इसके अलावा कोलकाता में पेट्रोल की कीमत 109.68 रुपए और डीजल की कीमत 94 रुपए हो गई है। तो ये थी बात कि कैसे पेट्रोल डीजल के जो दाम हैं वो लगातार बढ़ रहे हैं, और अब 22 मार्च से अब तक लगातार जो पेट्रोल डीजल के दाम में बढ़ोतरी देखी गई है। यहाँ रुकते हैं एक ब्रेक के लिए, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। फिर से आ गया है कोरोना, घर पर रहने में ही है सबकी भलाई। अब आपको मेडिकल स्टोर पर लंबी लाइन में नहीं लगना, बिग ब्लिस लेकर आएगा 10 मिनट में आपके घर पर दवाई। बिग ब्लिस, खुशियों की अपनी दुकान।